Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. तुम्हारे चैनल में ना सब हिंदू हैं जो अपने धर्म का तो 1% भी नहीं पढ़ते हैं, 99% मुसलमानों में घुसे रहते हैं। इनके अंदर का जो जलन है ना हिंदुओं को लेके, वो बार बार थोड़े थोड़े देर में वाला जाग उठता है वो। सलमान साहब जी, साहिल भाई खैरियत सर, मोमिन है अभी तक? जी जी अभी तक पक्का वाला हूँ बिल्कुल। अच्छा पक्के वाले। आयतुल कुर्सी आती है सर? जी सब आती है। सुना दे सर। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما شاء الله। बहुत जबरदस्त। क्यों मुसलमान है भाई आप? क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्यों है? मैं इस वजह से हूँ कि भाई मैंने पढ़ा कि मतलब मैंने देखा कि भाई प्रॉफिट जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिल्कुल सही आदमी है, उनकी सारी बातें सच हुई दुनिया के अंदर। तो उन्होंने जो दुनिया के बारे में बोला वो भी बातें सच हुई, और जो मरने के बाद बताएं के बारे में बताई हैं वो भी आगे चल के सच ही होंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके रसूलुल्लाह एक अच्छे आदमी है? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक अच्छा आदमी ईमान जो है मेरा इस पे। अच्छा ईमान है, साबित नहीं कर सकते? करेंगे मतलब बोलेंगे। बोलिए आप आगे बोलिए। अरे मतलब ईमान का मतलब मुझे बिल्कुल यकीन है बिल्कुल इस पे, ये बोलना चाह रहा था। यकीन किस बुनियाद पे आपने यकीन बनाया? वही अभी बताया ना इससे पहले कि जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने दुनिया के बारे में जितनी बातें बोली वो सच हुई, उनकी हदीसों में पढ़ा। हदीसों में पढ़ा? अच्छा हदीसों में। सारी हदीसें आपने पढ़ ली है? बहुत पढ़ी हैं लगभग लगभग। आप बोलिए, आप में से ये पूछ सकते हैं ना कि भाई कौन सी बातें सच हुई नहीं हुई? सच हुई नहीं हुई भाई, बात सच हुई नहीं हुई वो कंसर्न नहीं है। अभी कंसर्न ये है कि आपके रसूल एक अच्छे इंसान थे या नहीं थे। जी जी बिल्कुल, है ना। मुझे एक बात बताइए, एक अच्छा इंसान जो होगा, एक रहमदिल इंसान जो होगा, उसके सामने अगर बच्चों की मौत के बारे एक में, साहिल भाई एक मिनट, एक सेकंड, एक बात तो बीच में बोल सकता हूँ अगर? जी जी बोलिए। बोल दूं पहले? आप अभी पे मतलब किस चीज को फॉलो करते हैं? एक मिनट, उसे इस्लाम नहीं, सही अरे है नहीं, नहीं, नहीं भाई सलमान, उसे उसको इस्लाम उसको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं एक नॉलेज के लिए आपसे बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे सवाल भाई सुनो, इस सवाल का इस्लाम के सही होने या नहीं सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं फर्क पड़ता है भाई, हर चीज से कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज जो आपसे पूछ रहा हूँ वो इस्लाम को डिफाइन करने के लिए ही पूछ रहा हूँ, वो नहीं। मैं एक नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, एथिज्म को फॉलो करते हैं? हिंदुइज्म को भी नहीं करते हैं। चलिए बस बस, हाँ अब आप पूछिए जो भी पूछ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ये बताइए, कोई नहीं यार टेंशन ना ले, मुझे बताइए कि एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, जी जी, अगर उसके सामने उसके दुश्मन के बच्चे के मरने का भी जिक्र आ जाए जी, तो उसको क्या होगा? मतलब क्या होगा, किस सेंस में पूछ रहे हैं? होगी दुख, होगा खुशी, होगी क्या होगा? डिपेंड करता है क्या है बच्चा, मतलब आप छोटे बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं? गोद में बच्चे बच्चे है, क्या है? छोटे छोटे बच्चे। अच्छा अच्छा, वो डिपेंड करता है। अच्छा कोई एक कंडीशन बताए जहां पे बच्चे के मरने पे आपको खुशी होती हो या दुख ना होता हो? नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि हदीस में है कि भाई प्रॉफिट ने, मुझे हदीस पे भाई सुनो, मैं हदीस पे जाएंगे। अरे तो जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो हदीस ही से बताऊंगा, जैसे कि अभी मैं आपसे। अरे आप जाओ नहीं जाओ वो तो जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड, आप मेरे से पूछोगे प्रॉफिट मोहम्मद कैसे आदमी थे, तो मैं उनके बारे में जो भी बोलूंगा वो हदीस ही होगी। सलमान सुनो जी, क्या मैं अभी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिया? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बात तो वही है, चाहे आप अभी नाम लेके ना करो ना करो, चलो ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पे बच्चे के मरने पे आपको अफसोस ना हो, दुख ना हो, गम ना हो। मतलब देखिए, दुख ना हो, एक हो सकता है कि भाई उनका बच्चा, मतलब मैं एक मेरे को ना बिल्कुल क्लियर क्लियर बोलिए, एक पूरा एक स्पेसिफिक तरीका से बताइए कि ऐसा बच्चा मरा और उस पे उस आदमी को दुख हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। सुनो मेरे को कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी सिचुएशन हो,
अगर एक बच्चा उसकी जान चली जाए। हाँ, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फितरी चीज़ है, अगर किसी के भी घर में किसी का इंतकाल होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग को या उसके जानने वाले को अफसोस होता है कि भाई फला का बच्चा चला गया, आदमी उसके गम में शरीक होता है। मतलब दुख होगा ना, जी, होना चाहिए। है ना, अफसोस होगा, दुख होगा, है ना। और हाँ बिल्कुल, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ रहम दिल कि दुख इंसान। होना चाहिए, लेकिन अब एक है कि एक आदमी किसी का इंतकाल होता है, मान लीजिए आपके किसी दोस्त का इंतकाल हुआ, आप उसके फ्यूनरल पे नहीं गए, नहीं जा पाए किसी भी रीजन से, नहीं गए आप कुछ भी, मेरे उसके बारे में ना आपके कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मेरे को पता है ना नेगेटिव एक्टिविटी पता है, लेकिन फिर मैं वहां पे अगर बोलूँ कि भाई साहिल भाई जो है उसकी मौत से खुश हो रहे थे इस वजह से उसके फ्यूनरल पे नहीं आए, तो ये मेरा बोलना नहीं, गलत ये होगा। तो गलत, ये गलत हाँ होगा। मैं चलिए टोटली आगे बोलिए। आपसे हाँ अग्री आगे। करता हूँ, जी है जी ना, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है आपके बच्चे की दर्द या जी जी किसी के जी भी जी बच्चे ठीक की डेथ हो गई, और अगर मैं काम पे है। भी फंसा हूं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दुख नहीं हुआ, हाँ, अफसोस नहीं हुआ। ठीक मतलब मैं उसी चीज को मानूंगा जो चीज क्लियरली होगी। है। हाँ, ये चलिए आपके सामने किताबुल जिहाद जी 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 वस्से, जी पढ़िए हदीस सर, ठीक पढ़िए। है आगे। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ लिया, नीचे करिए। अरे हमको भी तो सुनने दो, क्या पढ़ा आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि जरारी अमीर अल मुशरिकीना युबय्यतुना फयुसीबून मिन सईम व जरारीहिम फकालहुम, नीचे करिए थोड़ा सा, मिनहुम। ठीक है जी। ओके, व्हेन आस्क अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिटिस बीइंग किल्ड ड्यूरिंग द नाइट रेड सेड देखिए ये दे आर जो, एक फॉर देम। सेकेंड, अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस हदीस में यही लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट से पूछा गया कि जो बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं नाइट रेड्स में, यानी जो ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा है ना उसमें अरबी में लफ्ज है मिन गैरी तामुदीन, यानी जानबूझ के उनको नहीं मारा जाता है, चूंकि नाइट रेड होता है तो वो बच्चे भी हाँ मर जाते हैं हाँ उनके अरे साथ साथ में। भाई ठीक ठीक है आप मुझे है, कंप्लीट वो करने मैं दीजिए, समझ गया। हाँ बोलो। तो उन बच्चों का क्या होगा? तो प्रॉफिट ने नहीं, फरमाया क्या कि भाई होगा, वो नहीं। बच्चे जो, उनके बारे में क्या हुक्म अच्छा, ये है, यही हदीस पूछ की रहा। बात, हदीस की बात करें। ओके, हाँ पढ़िए। जी, उन्होंने कहा कि क्या हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ ही जहन्नम में होंगे। ठीक है ना, बताइए क्या जी बोलना चाह रहे हैं आप इस पे। ठीक है, कंक्लूजन हाँ, अभी हम दोनों ने इस बात पे थोड़ी देर पहले बोलिए। अग्री किया था। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ भाई, अभी थोड़ी देर जी पहले हमने इस बात पे अग्री किया था कि चाहे हमारा जी दुश्मन का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, अगर वो कत्ल जी कर दिए जाए या कुछ हादसा हो जाए, तो एक जो रहम दिल इंसान होता है, एक अच्छा इंसान होता है, उसको दुख होगा, उसको अफसोस होगा, जी। है ना। यहाँ पे रसूलुल्लाह के सामने ये बोला जा रहा भाई है। आपके लोग जो कमेंट में जलेबी जलेबी लिख रहे हैं ना, इसी को नॉलेज बोला हाँ जाता है, तशरी तौजीह कहा जाता है, आप इसको जलेबी हाँ समझिए, हाँ गोबर हाँ समझिए, कुछ भी समझिए। ओ सलमान सलमान साहब, आप टेंशन ना ले, आप इधर जवाब दीजिए। जी जी आप लोगों चलिए का हम नॉलेज, आगे बोलिए साहिल भाई। तस्वीर, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं भाई, और जमाने से सुनते ठीक आ है, रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कोई बात है, मसला आप नहीं, साइंस से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कोई कुछ गलत निकल कोई जाए, मसला लेकिन जिस फील्ड का है उस फील्ड में तो आदमी बोल ही सकता है। चलिए कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह के जी सामने जी जब ये बताया जा रहा है कि जब हम रात में हमला करते हैं तो उसमें औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं, ठीक है। औरतों को हाँ फिर वो भी मैं अभी बच्चे, नहीं और कंसिडर कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए उसमें चैप्टर में ये चीज मेंशन है कि वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि नाइट रेड में गलती अरे से मैं मर जाते जानबूझ हैं। के ठीक की है, बात किया क्या भाई, नहीं, आप किए नहीं, आप इस चीज को बोलिए डायरेक्टली, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मैं बोलिए, जानबूझ बस के मैं की ये थोड़ी बात ना बोल रहा किया। हूँ कि आप नहीं बोल रहे मेरा हैं, सवाल, मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए। सलमान सुनो, जी, यहाँ पे हदीस में जानबूझ के नहीं लिखा है, तुम्हारे अरे वो चैप्टर में चैप्टर में लिखा हुआ लिखा है है। ना ऊपर। अरे चैप्टर तुम्हारे रसूलुल्लाह ने दिया, मेरे, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, पहले पूरा बोल नहीं लीजिए। नहीं चलिए बोल चैप्टर लीजिए, जो तुम चैप्टर उसका की भी बात जवाब कर रहे दूंगा मैं हो, आपको इंशाल्लाह, सुनिए अभी तो, मैं जवाब उसका दो भी जवाब पहले। दूंगा। ये चैप्टर नहीं तुम्हारे नहीं नहीं रसूलुल्लाह आप ने बांधा है कंप्लीट क्या, करिए, आप कंप्लीट करिए, बात कंप्लीट तुम्हारे करिए, रसूलुल्लाह ने बांधा है आप कंप्लीट करिए, मैं बताऊंगा उसका भी जवाब दूंगा, आप बोल लीजिए। क्या, बाब रसूलुल्लाह ने बांधा है जो आपने ये तो अभी जो आपने बेसिकली डंडे यही मारने की बोला कोशिश मेरे को की है। अभी कि भाई इसमें हदीस से ये झलकता है कि प्रॉफिट को उनकी बातों से कुछ भी अफसोस नहीं हुआ बच्चों के मरने पे, आप यही कह रहे हैं। ठीक है, यही बच्चों के, चीज़ पहली हाँ बात। बच्चों के पहली मरने बात तो पे हम आपको आपके ये रसूल बताएं। को अफसोस क्यों नहीं हो रहा है। जी, ठीक है मैं समझ गया ये चीज़। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कुरान हम लोगों को मिला है, ऐसे ही हम लोगों को डायरेक्ट हदीस नहीं मिला है। जब आप पूरा हदीस का प्रोसेस जानते होंगे ना कि हदीस को कैसे कैसे लिखा गया है, कैसे जमा किया गया है, तो फिर आप ये चीज़ सवाल ही नहीं करेंगे कि भाई वो चैप्टर का जो हेडिंग है, वो बाब जो है वो प्रॉफिट ने बांधा है या नहीं बांधा है। जिन लोगों ने उसको जमा किया है उन लोगों ने उस हदीस का सही मतलब समझा है और उस हिसाब से उसका हेडिंग लगाया, एक बात।
और दूसरी बात ये कि जो इस हदीस के अंदर बोला गया है ना कि ये बच्चे जहन्नमी होंगे, तो ये हदीस मनसूख हो चुकी है, यानी ऐसा नहीं माना जाता है, बल्कि मुसलमान जितने हम लोग हैं ना, हम लोग यही मानते हैं कि जो भी नाबालिग बच्चा बिना ईमान के मरता है वो जन्नत में ही होगा, अपने माँ बाप के कुफ्र की वजह से उसका हुक्म जो है जहन्नम का नहीं होगा। इस हदीस को मनसूख मानते हैं कुरान की आयत की वजह से। एक मिनट, हदीस को मनसूख मानते हैं जी, यानी जब रसूलुल्लाह ने ये बात की थी तब गलत की थी, और किस हदीस ने इस हदीस को मनसूख किया है इसकी भी दलील किसी हदीस। हाँ जी जी बिल्कुल, एक मिनट आप मुझे बस बोलने दीजिएगा, ठीक है, मैं दूंगा, आप इसी वजह से तो आपसे बात कर रहा हूं ना जी। पहले ये जवाब दीजिए आप कि जब रसूलुल्लाह ने ये बात की थी तब उन्होंने ये बात गलत की थी? नहीं, इसको हम लोग ये मानते हैं ना कि हम लोग एक जैसे एक पूरा कॉन्सेप्ट है दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी हजारों चीज को लेके आप सवाल भी करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, उसमें से एक चीज है, यानी जिस तरीके से जब दीन को एक एक कैटेगरी वाइज बांटा गया है तो उसमें एक चीज आता है नासिख और मनसूख का, ठीक है। अरे वो मेरे को मालूम है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है, मैं एक एग्जांपल आपको भाई कि आप एक क्वेश्चन दे देंगे मेरे को डायरेक्ट। सलमान, इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आप जलेबी बना रहे हो। यहाँ पे अक्सर व्यूअर्स को एब्रोगेशन के बारे में ऑलरेडी पता है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं, जैसे शराब पहले अलाउड था, जब पहले अलाउड था तब वो सही था ना, क्या गलत था जब पहले अलाउड था शराब पीना? जब मनसूख हो गया, एब्रोगेट हो गया, उसके बाद वो गलत हुआ ना, उससे पहले कोई शराब पी रहा था उस पर तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, उसको गलत नहीं समझा जा रहा था, बाद में उसको गलत समझा गया ना क्योंकि मनसूख हो गया। तो आपकी जो पहली बात थी कि मनसूख हुआ यानी पहले इसको सही समझा जा रहा था, तो रसूलुल्लाह जो है बच्चों के मरने को और उनको जहन्नमी बोलने को सही समझ नहीं होगा। नहीं नहीं, ये जो आप जो रीजन एक लेके आए ना कि शराब वाला और ये था पहले था बाद में, कि हर जगह रीजन सही नहीं बैठेगा। हदीस का चूंकि जमा करने का तरीका बहुत, मैं बैठा रहा हूँ, वही बैठा रहा हूँ आपको। जब बात रसूलुल्लाह ने कही कि जो रात में औरतें और बच्चे मारे जाते हैं वो उन्हीं में से है, यानी जहन्नमी है, और अल्लाह के रसूल को कोई अफसोस नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका हूँ, आप बार बार बोल के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुनिए। देखिए, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हदीस का हुक्म मनसूख हो चुका है यानी खत्म हो चुका है, और हम उस खत्म किस वजह से हुआ है उसका बेस हम कुरान को मानते हैं, समझ में आया आपको? अरे और भाई, ये अभी बात सुन लीजिए, रसूलुल्लाह तभी रहम दिल थे या नहीं थे वो बताओ भाई, क्यों जलेबी बना रहे हो? भाई मैं, मुझे बताने तो दो, आप मुझे बोलने दोगे या आप ही बोलोगे? ये जब रसूलुल्लाह ने ये स्टेटमेंट मारी थी, सुनो, जब रसूलुल्लाह ने ये स्टेटमेंट मारी थी तब वो रहम दिल थे या नहीं थे? अरे भाई, इस स्टेटमेंट को चूंकि बाद में मुहद्दिसीन ने जमा किया है, ठीक है, तो इसलिए किस बेस पे, नहीं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, समझे एक सेकंड, लेकिन किस बेस पे जमा किया, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, इस हदीस के अंदर सब कुछ मेंशन नहीं होता है, और चूंकि ये हदीस जो है वो डायरेक्ट कुरान की उस आयत से टकरा रही, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, जिसमें ये बोला गया है कि किसी के भी गुनाह का सजा किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा, तो ये हदीस सही हो। अरे रसूलुल्लाह की गलती नहीं होगी, इसको जमा किया है ना। अरे गधे इंसान, जमा किया जब हुआ वाकिया तो ही जमा किया ना, कि बिना वाकिया हुए जमा कर दिया, झूठ बोल दिया बुखारी ने और मुस्लिम ने? जब वाकिया हुआ तभी तो जमा किया ना, या तो ये कह दो कि तुम्हारे रसूल ने अल्लाह के खिलाफ बात की है, अल्लाह के खिलाफ गए। अल्लाह के खिलाफ बात नहीं की है, यही आपको नहीं समझ में आ रहा भाई? जिस हदीस तो को बुखारी और मुस्लिम ने जमा किया, अच्छा रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ कि बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को कब जमा किया है, 300 साल के बाद जमा किया प्रॉफिट के जमाने से, 300 साल के बाद। एक सेकंड में बता रहा हूँ, कुरान तो शुरू ही में ही जमा हो गया था, सहाबे के जमाने में ही जमा हो गया था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुरान जो है सहाबा के जमाने में ही जमा हो गया था, वो कुरान किधर है? किधर है वो कुरान जो हम लोग पढ़ते हैं? तुम पढ़ते हो वो? मैं आपकी स्ट्रीम अभी 3 घंटे से देख रहा हूँ, आपका काम ही यही है इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाने का, मेरे को अभी उस पर मत लेके जाइए कि कुरान क्या होता है कि नहीं होता है, मैं आपको इस चीज को समझाने का ट्राई।
तुम भाग रहे हो ना यहां से वहां टॉपिक पे, तुमने अभी एक गेम डालने की कोशिश की कि हदीस 300 साल के बाद लिखी गई है, तो कुरान कभी लिखा गया? अगर आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के जमाने में ही कुरान लिखा लिख दिया गया था, तो वो कुरान लाके दिखाए फिर। क्या कुरान लाके दिखाए भाई? अगर हमें तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये चीज बोलोगे ना कि वो कुरान कोई और था, तो आपको कहीं ना कहीं पे चेंजिंग प्रूफ करना पड़ेगा। सलमान सलमान, आज की तारीख में 30 से ज्यादा अलग अलग वर्जन है कुरान के, कौन सा वाला कुरान? वो सब मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अब के छपा हुआ उसका तो प्रूफ है। मैं आप कल होके एक कुरान छाप देते हो मान लो, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय एक्स मुस्लिम साहिल, ठीक है, तो ये तो प्रूफ ही है कि ये 2024 में छप रहा है। एग्जैक्टली तो फिर तुम्हारा आप प्रूफ करोगे जो भाई, मेरा, जो तुम्हारे हाथ मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही आपको बता रहा हूँ, वो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आपका कुरान जब अभी छपा है ना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया? अरे भाई मेरा 30 वर्जन जो है, एक मिनट, ये 30, तुम पहली बात तो ये बताओ कि तुम जिस कुरान को पढ़ रहे हो वो कभी छपा? कभी छपने का काम तो बहुत बात का है भाई, एक छपना एक अलग चीज है, जमा करना एक अलग चीज है। तो कभी जमा हुआ है? उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में, उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में। उसका सबूत दो कि ये जो तुम्हारे हाथ में जो कुरान है वो हजरत उस्मान के कुरान से मैच होता है, वो हजरत उस्मान का कुरान किधर है? मैं आपको उसका सबूत ये है ना, उसका सबूत एक अमली तवातुर है, यानी मैंने जो कुरान याद किया है, पढ़ा है, मेरे बाप बता रहा हूँ मैं, मेरे बाप ने भी वही पढ़ा, तुमने जो कुरान पढ़ा है, वही पढ़ा। एक मिनट, वन एट ए टाइम, तुमने जो कुरान पढ़ा है वो देख के पढ़ा है किताब से या सुन के पढ़ा है? देख के ही पढ़ा है, पढ़ा है, मान लेता हूँ, देख के पढ़ा। तुमने अगर 5 सूरे याद किए है वो देख के पढ़े याद किए या सुन के याद किए? देख के पढ़ा है, देख के पढ़ा है, कुछ सुन के भी पढ़ा, कुछ देख के भी पढ़ा। आपने देख के पढ़ा है या सुन के पढ़ा है? हाँ, मेरे बाप ने देख के पढ़ा ही होगा कुछ जमाने तक, लेकिन जब उससे ऊपर नहीं, अभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई, अभी रुक चाहिए। ना, खत्म नहीं होगा, नहीं। कुरान जो है तुम लोग देख के याद करते हो, मदरसे में जितने भी डंगर निकलते हैं हाफिज, दिमागी अपंग, वो देख के याद करते, हिलते हिलते हिल के जो याद करते हो, वो देख के याद करते हो। जो तुम्हारे हाथ में मौजूद है कॉपी, उसको देख के आप रट्टा लगा रहे हो। तो आपका ये क्लेम कि वो इससे ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर वैसा नहीं हुआ है, जो कॉपी मौजूद थी उस पे से देखा है। तो ओरिजिनल जो कॉपी है, जहां से ये कॉपी किया गया है, वो किधर है, कैसे मैच करेंगे जब इधर दुनिया में 30 से ज्यादा वर्जन कुरान के मौजूद है और उसको कुरान समझा जा रहा है अलग अलग पार्ट में, कोई एक पार्ट में जो है वर्ष को समझा जा रहा है, कानून को समझा जा रहा है, दूरी को समझा जा रहा है, अलग अलग कुरान समझा जा रहा है उसको। तो तुम्हारे अल्लाह ने कौन सा कुरान नाजिल फरमाया, कैसे मैच करोगे आप? वो कुरान की कॉपी किधर है? अरे कितना बोलते हो भाई, बोल लेने दो एक मिनट। जब हम आज का कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसी कुरान की तफसीर 700 साल पहले इब्ने कसीर ने लिखी है, और इसी कुरान की तफसीर 800 साल पहले किसी और ने लिखी है, 900 साल पहले किसी और ने लिखी है। जब ये सारी चीजें पाई जाती है, तो मेरे दिमाग का घास चरने के क्या, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेजोरिटी पढ़ती है, जिसको 99.9% लोग पढ़ते हैं, अलग वर्जन कुरान का कैसे हो गया? कौन सा आयत है जो इब्ने कसीर ने लिखा है कुरान के अंदर और उस कुरान में नहीं है, बता दो, लाओ अलग वर्जन वाले। मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ, मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। वर्ड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड का डिफरेंस को हम भी मानते हैं। क्या वर्ड का डिफरेंस मानते हो आप? चलो दिखाओ दिखाओ। नहीं, वर्ड का डिफरेंस क्या, वर्ड का डिफरेंस मानते हो? वर्ड का डिफरेंस इस हिसाब से मानते हैं ना कि एक हदीस में है कि भाई कुरान जो है वो 7 हुर्फों पे उतारा गया है, तो कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो कुरैश के जमाने में, उस जमाने के अरब वाले एक वर्ड मिलता जुलता अलग बोलते थे, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता था। तो आप कोई ऐसा कुरान का अल्लाह ने कौन से वर्ड बोला है अल्लाह? अरे भाई कुरान 7 हर्फों पे उतारा गया है, कोई एक वर्ड ऐसा हो सकता है ना, कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है। आप वो सब बात छोड़ो, ये आपको नहीं समझ में आएगा। आप फिलहाल मेरे को वो दिखाओ जहां इब्ने कसीर ने दिखाया लिखा। ना 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 ना, अभी तक तुम लोग ये कहते थे, सुन ले, हो गया नहीं, अभी तुम्हारा निकल गया है।
अब तक तो तुम ये कहते थे कि कुरान एक ही है, अब तक तो तू ये दावा कर रहा था, अब कह रहा है कि वर्ड का डिफरेंस है, तो तुम्हारे अल्लाह ने कौन से वर्ड के साथ भेजा और वो सात वर्ड अलग अलग वर्ड, वो वाली कॉपी कुरान की किधर है, और उस्मान ने जो कुरान लिखाया तो वो सातों वर्ड वाले कुरान को इकट्ठा किया या बाकी छह को खुड्डे लाइन लगा के गटर में फेंक के, कूड़ेदान में फेंक के, जला के, अल्लाह की भेजी करदा जो कुरान है अलग छह वर्ड्स में, उसका क्या किया उस्मान ने? और अगर वो उस्मान ने जला दिया था हजरत उस्मान ने, तो ये आज की तारीख में जो इतने सारे वर्जन है वो कहां से आए? ये भाग नहीं सकते हो सवालों से, लोहे महफूज पे भी सात हरफों में लिखा गया है कुरान, सात बार लिखा है। हाँ, लोहे महफूज में कौन सा लेके लिखा हुआ है भाई, सात सात अलग अलग कुरान लिखे हुए क्या? चालाकी देखो इनकी जरा। और इसने इतनी बगी बगी बोंगी हमारी साहिल, अभी ये बोल रहा था कि हदीसे नासी ये मंसूख होती है, हदीस कब से मंसूख होने लगी? मतलब या नहीं, तो होती है, होती है, होती है, नहीं होती है, जैसे मुता जो है उसके बारे में कहते हैं कि पहले जायज था, बाद में रसूलुल्लाह ने मंसूख कर दिया, फिर जो हनफी हजरात है वो कहते हैं पहले रफाइल दैन था, बाद में अल्लाह के रसूल ने मंसूख कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हालांकि ये वाली हदीस जो है साहिल भाई, यहाँ ये तो इन लोगों की बातें है ना, अगर मुता मंसूख किया था तो हसन कैसे, हुसैन कैसे मुता करते गुमराह, रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा था। वो तो अलग अलग इनके जो है अलग अलग फिरके वाले का अलग अलग स्टैंड है उस बारे में, लेकिन ठीक है वो मनसूख हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने जो गेम डालने की कोशिश की है कुरान पे लेके आके कि भाई हदीस 300 साल बाद लिखी गई, कुरान जो है वो तभी से मौजूद है, तो कुरान कभी लिखा गया और वो कॉपी किधर है कुरान की, वो हमको चाहिए। हदीस फाड़ के फेंको, अगर 300 साल बाद लिखी गई, आज आप लोगों को इन पे जवाब देते नहीं बन रहा तो एग्जैक्टली अगर जवाब देते नहीं बन रहा है तो हदीसों को फाड़ दो, जला दो, और फिर कुरान को भी फाड़ो, क्योंकि कुरान की तो कोई सनद ही नहीं है। मुकम्मल कुरान जो है ये सनद से बयान कर सकते हैं? नहीं बयान कर सकते। तो मुझे प्यारे भाई, भाई ये बताओ कि तुम्हारे, मैंने तीन चार सवाल किए उसका जवाब मेहरबानी करके दे दीजिए। ठीक है, आप जो है ना, आप डायरेक्ट ये मत किया करो, अपना ही बोलते रहते हो भाई एक ही बात को बार बार। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बात करते हैं इसी पे, ठीक है? अभी एक बात सुनिए आप, जैसे हम लोग पहले ये बात कर रहे थे ना भाई, आपने कहा ये वो, तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया कि भाई हदीस का हुक्म कहीं कहीं पे मनसूख होता है, उस हदीस के अंदर जहां आपने पढ़ा कि भाई बच्चों को मारने जहन्नमी बतलाया गया है, तो उस हदीस का मनसूख, उसको हम नहीं मानते भाई, हैं। मैंने उस पे अब एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ, अब एक सेकंड रुक जाओ, नहीं रुके, नहीं फिर गलत बात कर रहे हो आप। मनसूख किया था मैंने आपसे, ये अगला सवाल है कि किस हदीस ने, कौन से रसूल की बात ने मनसूख किया है, और मनसूख करने से पहले जो बात कर रहे रसूलुल्लाह वो गलत बात किए थे या सही बात किए थे, ये मेरा सवाल था आपसे। हो गया, ठीक है, तो मैं आपको वही चीज समझाया कि भाई वो बात गलत और सही नहीं होती है, हम उसके हदीस के अंदर तावील करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारा रसूल कह रहा है कि वो मुझे बोलने दो मेरे भाई, उन्हीं में से है ये, इसमें तावील क्या, या सही कहे या गलत कहे, दो में से एक बात बोलो भाई। रसूल की एक हदीस है कि जो बच्चों पर रहम ना करे ना, वैसा आदमी हम में से नहीं है, उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, मतलब एग्जैक्टली, तो ये आपको दिखता है एग्जैक्टली। अगर तुम्हारे रसूल ये कह रहे हैं कि जो आदमी बच्चे पे रहम नहीं करे वो हम में से नहीं, वो कमीना शख्स है, तो ये बात तुम्हारे रसूलुल्लाह पे खुद फिट होती है कि जो बोल रहे थे वो कर नहीं रहे थे, बोलते कुछ और थे करते कुछ और थे, ये तो तुम्हारे उल्टा रसूल के खिलाफ जारी है। नहीं यही बोल गया, बोल लिया आपने, एक सेकंड भाई, अमित भाई आप रुक, एक सेकंड रुकना सलमान, मैं यही बोलना चाह रहा था उसमें सहल भाई, कि अगर हदीसे मनसूख और ये तो, या तो इनका नबी डबल बातें करता है हमेशा, पहले कुछ बोलता है बाद में कुछ बोलता है, तभी हदीसे मनसूख हो सकती है ना। अरे जब इनका अल्लाह डबल बातें करता है तो रसूलुल्लाह की तो बात की बात आ गई, सही बात है, अल्लाह खुद कहता है मैं जो है अपने अहकाम जो है वो आयतों को मनसूख कर देता हूँ, उससे बेहतर आयतें आप लोगों के सामने लाता हूँ, पहले की आयतें अल्लाह की बेहतर नहीं होती थी।
अल्लाह भी दोगला है और इनका रसूल भी दोगला हो गया भाई। ठीक है, अब आप तो मुझे बोलने ही नहीं दोगे, मुझे पता है। मैं आपको यही चीज समझाया कि आप जो बोल रहे हो ना कि आप सलमान, हाँ तो जवाब देने की सुनने का सुनना भी पड़ता है, जवाब लेने के लिए सुनना पड़ेगा। सलमान मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि जब तुम्हारे रसूलुल्लाह के सामने ये मैटर आया था और जब उन्होंने कहा था कि भाई ये उन्हीं में से है, तब तुम्हारे रसूलुल्लाह बेरहम क्यों नजर आ रहे हैं? हो गया, आपने बोल दिया। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको सुनना शांति से, ठीक है? मैंने आपको इसीलिए उनकी एक बात कोट करके बता दी कि भाई आप जो बेरहम वाला मतलब निकाल रहे हो ना इस हदीस से, जो उसमें उन्होंने कहा कि वो जहन्नमी होंगे, तो उसके लिए मैंने समझाया कि ये आप तो एक मतलब निकाले हो इसमें से, ठीक है? चलो वो जितना निकलता है सही निकल रहा है वो एक अलग बात हो गया, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो कितना सही निकल रहा है वो एक अलग टॉपिक, लेकिन उसके मुकाबले में एक बिल्कुल साफ हदीस है जिसमें ये चीज बोला गया कि भाई जो बच्चे पे रहम नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, हम लोग से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक तो आपके रसूलुल्लाह मुसलमान नहीं? अभी मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो प्लीज, हो गया? ओके। अब हम ये बोलते हैं कि जब इस हदीस के अंदर कोई ऐसा मतलब आता है जो कुरान से कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है, या किसी भी मशहूर हदीस से कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो ये हम लोगों का मुहद्दिसीन का उसूल है कि उस हदीस को छोड़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे मुझसे ये पूछोगे कि जब वो हदीस है तो हम उसे कैसे छोड़ रहे हैं? समझ में आया आपको? भाई भाई नहीं 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 नहीं, तू मुहद्दिस है? मैंने पढ़ रखी है भाई, पूरी उसूल हदीस पढ़ रखी है। नहीं, आपकी तरह नहीं हूँ ऐसी ज्ञान देने वाला। कौन से मुहद्दिस ने जिन्होंने शरा लिखी है इस हदीस को मनसूख बताया है, पहले वो बता। और मनसूख का मतलब ये होता है कि पहले उसको करने का हुक्म था, बाद में मना किया गया। तो जब ये काम रसूलुल्लाह कर रहे थे, अगर इसको मनसूख भी मानो, हालांकि मनसूख की इसकी कोई भी हदीस नहीं मिलेगी आपको, जब रसूलुल्लाह की हदीस कैसे हो सकती है? हदीस तो प्रॉफिट का वर्ड होता है, और हदीस और जो मनसूख का हुक्म बता रहा है वो बाद में मुहद्दिसीन बताते हैं। सलमान नहीं नहीं भाई, आप मेरे से भी इसी के बारे में बात करो ना, मुता के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है ना? आपने फिर से जो गेम डालने की कोशिश की है उस पे मेरा सवाल है। डाल दे भाई, मैंने आपको साफ समझाया कि आप समझते हो, आपने मुझसे कहा कि एक आदमी रहमदिल नहीं, आप उसको कैसे फॉलो? मुता मनसूख है या नहीं है? मुता मनसूख है या नहीं है? मनसूख है, मतलब पहले अलाउड था बाद में मनसूख हुआ, है ना? पहले हदीस और वो इस्लाम ने अलाउड नहीं किया था उसको, एक बात समझो आप, वो वहां के कल्चर के हिसाब से था, वहां की सोसाइटी थी। अलाउ किसने किया था? अलाउ किसने किया था मुता को? पहले मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें इस्लाम के अंदर ऐसी है ना जो कुरान के अंदर डायरेक्ट बोला गया कि हलाल है, कुछ चीजें ऐसी हैं। कुरान में खुद अल्लाह अलाउ करा मुता को, मुता को अलाउ किसने किया? ठीक है चलो, उससे आपको क्या लेना देना है? मैं बोल रहा हूँ मुता मनसूख हो गया है भाई। तुम लोग इतनी चालाकी और इतनी धोखेबाजी करते हो ना जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। तुम्हारे रसूल वहां पे दो लोगों को कह रहे जाके मुता करो, और तुम कहते हो कि इस्लाम ने अलाउ नहीं किया था। किसने अलाउ किया था फिर भाई? आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, फिर चौथा आ जाएगा ऐसे ही भाई। आपका सारा गेम ही यही है, जहां एक सवाल पकड़ा के दे दो वहां आप सवाल, एक सवाल पकड़ा के दे दो, उस पे आदमी जब जवाब देने लगता है तो जलेबी कह देते हो या एग्जिट करा देते हो, बैक स्टेज पे डाल देते हो। झूठ कैसे हो जाएगा भाई? मैंने झूठ क्या बोला आपको? मैंने कहा कि हदीस मनसूख है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मनसूख कैसे होता है। अभी आया ना टॉपिक, अभी हम जो आपसे से बात कर रहे हैं, मैं आपको नासिख और मनसूख एक्सप्लेन कर रहा था। हदीस सही और कुरान में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे मुसलमान उस चीज को मान? बोलते जाएगा। नासिक और मनसूख के बारे में आपने ये कहा ना कि भाई वो मनसूख इसको नहीं कहते, रसूलुल्लाह की बात मनसूख नहीं होती, वो हदीस नहीं होती, आप ये कह रहे थे। उस पे मैंने आपको एक मिसाल दी कि मुता जो है वो मनसूख मानते हो नहीं मानते हो, आपने कहा हाँ। तो रसूलुल्लाह ने पहले अलाउ किया तभी तो जाके मनसूख हुआ ना बाद में, वरना मनसूख थोड़ी ना होता। वो तो फिर एक पहले से हुक्म होता कि मुता जो है वो हराम है। फिर आपने ये कहा कि नहीं इस्लाम ने अलाउ नहीं किया मुता को, तुम्हारे रसूल अलाउ कर रहे हैं, तो रसूल जो है इस्लाम का हिस्सा है क्या नहीं है?
भाई मैंने ये समझाना था ना, समझा रहा था आपको कि वहां के कल्चर के हिसाब से वो जायज था, फिर इस्लाम ने उसको मना किया, फिर प्रॉफिट ने उसकी ए इजाजत। भाई, कल्चर के हिसाब से जायज था तो कल्चर के हिसाब से तो वो मूर्ति पूजा भी जायज थी क्या? उसको रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था? अरे मेरे भाई बोलने दोगे, खुद ही बोल लो, जब तुमको बोलना है झूठ तो। बोलेगा, तू धोखा देगा तो नहीं बोलने देंगे। कल्चर के हिसाब से कोई चीज है और इस वजह से वो इस्लाम में अलाउड है, तो मूर्ति पूजा भी अलाउड थी, मूर्ति पूजा भी कल्चर का हिस्सा था, क्या उसको अलाउ रखा था रसूलुल्लाह ने? अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ यार, पूरा बात तो कंप्लीट करने दो, 10 सेकंड भी लगातार बोलने नहीं दे क्या रहे हो बोलना तुम। भाई, मैंने ये कहा कि भाई वहां के नहीं कल्चर में बोलने पहले दूंगा अगर चलता गलत था, बोलोगे फिर तो। इस्लाम ने उसको मना किया, फिर एक टाइम में। नहीं, पहले मूर्ति पूजा भी चलती थी लेकिन इस्लाम ने उसको अलाउ नहीं किया, इस्लाम ने सीधा मना किया। मुता को इस्लाम ने अलाउ किया, रसूलुल्लाह ने अलाउ किया, रसूलुल्लाह ने खुद बल्कि कहा, हुक्म दिया, जाके मुता करो, लीगल प्रोस्टिट्यूशन जाके करो, ये खुद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया उनको। चलता था करके अलाउड नहीं होता है, मूर्ति पूजा भी चलती थी लेकिन उसको रसूलुल्लाह ने अलाउ नहीं किया कि बाद में उसको मंसूख कर देते। फर्स्ट गो से ही उसको हराम कहा है, शिर्क कहा है। धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मुता अच्छा तुम्हारे चलो, रसूल क्या ने पूछ रहे हो मेरे से, अलाउ भी आगे बोलो। किया और हुक्म भी दिया। क्या हाँ फिर मुता वो का हराम हुक्म हो दिया गया, था या अभी नहीं दिया हराम था? है, अभी हराम है। हाँ अभी हराम है, मतलब पहले ठीक है, अलाउ हाँ था फिर हराम हुआ, राइट? कुछ टाइम के लिए हलाल था बस। ओके, कहना क्या उसी चाह रहे हो, तरीके कंक्लूजन से बोलो कंक्लूजन उसका। ये है, क्योंकि मैं अभी मुता पे आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अगर उस पर करूंगा तो बहुत गंदी हालत आपकी हो जाएगी। नहीं मैं वो आपसे आप ये ये मत कहना चाह रहा हूं, सोचो, मैं आपसे एक चीज बीच में पूछता हूँ भाई, कि आप ये सारी गंदी हालतें मुसलमान के और उन्हीं के इस्लाम के, चूंकि 18% क्योंकि हैं मुसलमान सबसे इंडिया गंदा, में, सबसे आप। घटिया, हाँ सबसे सुनो, सबसे गंदा, सबसे घटिया, सबसे वाहियात, सबसे इलॉजिकल, सबसे नॉनसेंसिकल, सबसे कूड़े में जाने वाला अगर कोई दुनिया में मजहब है, कल्ट है, तो तो आपके इस्लाम है। तरफ से इस्लाम है, ठीक है। और अब ये इस्लाम, सारी और गंदगी, अब सुनो, इस्लाम, एक सेकंड एक सेकंड, इस्लाम पूरी बात कंप्लीट होने दे। और इस्लाम उसके मानने वाले को दिमागी अपंग, जॉम्बी, टेररिस्ट और जितने भी आप जो है वो गंदे काम है वो करने कराता है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, अच्छे से फॉलो करता है। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते, उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। ठीक है। इस्लाम से ज्यादा न्यूडिटी को देख लो, गंदगी को देख लो, हद चीज से ज्यादा जो है वो हिंदुइज्म के अंदर है। आ गया बैसाखी भाई, अगर हिंदुइज्म में गलती है तो चैनल है बहुत सारे, जा जाके बता उनको हिंदुइज्म की गलती, चुन चुन के बता। बैठे हैं वो लोग, हिंदुइज्म में गलती होने या नहीं होने से तुम्हारे में जो गलतियां हैं, गंदगियां हैं, वो धुल तो नहीं जाएगी ना। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये कौन सा लॉजिक है ये बैसाखी वाला? उसमें गंदगी है, अरे उसमें अगर गंदगी है भी तो वो उससे तेरी गंदगी थोड़ी ना साफ हो जाएगी। पहले अपनी गंदगी साफ कर, उसके बाद वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे जाओ, उनसे सवाल करो कि देखो यार तुम्हारी किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या मसला है? बहस करो उनसे, डिबेट करो, वो तो दे रहे हैं प्लेटफॉर्म अपना। यहां पे आप बात करोगे तो इस्लाम पे करोगे, आपने बैसाखी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है प्यारे भाई, नहीं, मैं तो बस आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था कि भाई आपको इस्लाम का गंदा, 18% इंडिया के मुसलमानों की गंदगी नजर आई, और 80 जितना भी है, 72% या 75 मैं जो भी उनमें से इंडिया के नहीं अंदर निकला है, हूं ना भाई, वो सब मैं में उनमें से से क्या नहीं नाम निकला है, हूं ना, उनकी खराबी आप मैं उनमें से, चाहिए, उनका सुपर मैं, चैट चाहिए शायद। अच्छा आपको सुपर चैट से तकलीफ है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, आप कुछ भी करो, तो आजाद देश है, भाई आप तो कुछ वो भी अगर करो। सुपर चैट दे, अरे सलमान वो सुपर चैट दे रहे हैं तो उससे तुमको, तुमको क्यों चिढ़ हो रही है? और अगर तुमको उससे नहीं फर्क नहीं नहीं पड़ता है नहीं तो उसके मेरे को बारे में चिड़ बात इस वजह से हो क्यों रही है ना, कि आपको एक जगह का गू तो गू कर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, दूसरे जगह का मीठा हलवा रहे लग हो? रहा है, मान रहे हो ये कि गलत आप में है। गु है? ये मैंने कहा आपको लगती है, ये नहीं कहा।